ओम श्री साई राम। सेव वलन मनकु चेकूरु आनंदमु अदिय शांति निच्चु सुखमु निच्चु शांति कन्न मिन्न सौख्यंबुले दया उन्नमाट साई तेलुपु चुन्नमाट। स्वामी कहते हैं सेवा से हमको मिलेगा आनंद, वही शांति देगा और सुख देगा। शांति से बढ़कर सुख कहीं नहीं, यही यदार्थ अवगत करा रहा हूँ। प्रशांति सेवा से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है। प्रशांति निलयम पहुँचने के बाद आपको कोई भी ड्यूटी मिले उसको स्वामी की प्रसाद समझकर स्वीकार करिए और उसको भाव से करिएगा। मैं कुछ उदाहरण मेरा अपने अनुभव से बताता हूँ। शुरू शुरू में मेरे को जब प्रशांति सेवा में गया उस वक्त मेरा तलवों में दर्द होता था। 2 मिनट भी मैं खड़ा नहीं हो सकता था, इतना दर्द होता। तो सुबह और शाम क्रोसिन लेता था। वहाँ जाने के बाद मुझे इंस्टीट्यूशनल एरिया का ग्रुप लीडर बनाया था। बहुत दूर वहाँ 5-6 बार दिन में चलना पड़ता है ग्रुप लीडर को, पर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, पर मैंने स्वामी के ऊपर छोड़ दिया और स्वामी की आज्ञा मानकर उसको मैंने स्वीकार किया और ड्यूटी शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए पहला दिन सेवा के बाद से ही मेरा वो तलवों में दर्द गायब हो गया है। तब से लेके आज तक मैं कभी ब्रूफिन नहीं लेता हूँ कोई दर्द के लिए। सिर्फ जो हुक्म मिला है उसको पालन किया है, स्वामी की आज्ञा मानकर उतने से ही स्वामी इतना ग्रेस किया है। दूसरी, कोई भी सेवा छोटा बड़ा नहीं होता है। चाहे आपको मंदिर में ड्यूटी मिले या हनुमान टॉप में ड्यूटी मिले या वाटर टैंक के ऊपर ड्यूटी मिले, आप ये मत समझिए मेरे को दूर भेज दिया या मैं मंदिर के नज़दीक में नहीं हूँ, ऐसा भाव मत लाइएगा। आप किसी भी ड्यूटी आप करते हैं भाव से करते हैं, स्वामी उसको जानते हैं और उसका फल देते हैं और आपको हमेशा देखते रहते हैं, आपकी सेवा को परखते रहते हैं। मेरे साथ में मेरा फैमिली भी सेवा में आई थी उस साल। मेरा बच्चे छोटे थे, 3.5-4 साल के थे। उनको साउथ इंडियन कैंटीन में मेरा मिसेस काम ड्यूटी लेके साथ में रखे करती थी। ये बच्चे कटे हुए सब्जियों को, प्याज आदि को दूसरे बर्तनों में डालते थे। इतने से ही वो अपनी जितना हो सकता है उतना किया। उसके बाद हम चरण स्पर्श के लिए बेंगलोर गए थे क्योंकि स्वामी वहाँ थे, यहाँ का निर्माण हो रहा था मंदिर में। तो जाने के बाद वहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर सेवा दल के उस वक्त की, उन्होंने बोला बच्चे छोटे हैं आपको बैठ नहीं सकते हैं आप चरण स्पर्श के लिए। मिसेस ने बहुत उनको विनती किया है तब जाके उन्होंने कोने में बैठने के लिए, एंड ऑफ द लाइन बैठने के लिए आदेश दिया। तो वहाँ बैठ गए जाके। स्वामी सबको चरण स्पर्श देते हुए वहाँ पर पहुँचे, बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनसे लेटर भी लिया है। उसके बाद वापस मुड़ के डयास की तरफ मुड़ रहे थे, फिर वापस आए और बच्चों को आशीर्वाद दोबारा दिया और कहा ट्विंस वो ऐसा बोल के फिर आगे निकल गए। देखिए जो गिलहरी रेत की कण को ले जाके राम सेतु बनाते समय वानरों को सहायता किया और राम जी ने उनके ऊपर कृपा किया, उसी तरह सिर्फ कटे हुए सब्जियों को उसमें बर्तनों में डालने में खेल खेल में वो डालते हुए खेल रहे थे बच्चे, उनको स्वामी ने इतना ग्रेस दिया। अगर आप दिल से जो सेवा आपको मिलता है वो करते हैं तो कितना और ग्रेस मिलेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तीसरा, 75th बर्थडे को स्वामी ने आदेश दिया कि मैंने
सच्चे साई व्रतों को करवाना है उधर। पूरा होने के बाद स्वामी ने कहा, आज के बाद तुम्हारे को मोक्ष है, पुनर्जन्म नहीं है। उसके अलावा इन्होंने बोला, तुम्हारे को ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार को पूरा दोबारा जन्म नहीं है, इतना आश्वासन दिया। दो चार मंत्र पढ़ने से ही स्वामी ने इतना कृपा किया है, कटाक्ष किया है, क्योंकि हजारों साल मुनि ऋषि मुनियों ने तपस्या करने के बाद भी उनको मोक्ष नहीं मिला है, परंतु स्वामी ने इतना सरल भाव से पुनर्जन्म जन्मराहित्य दे दिया, पुनर्जन्म मोक्ष दे दिया है, और क्या चाहिए। वो इसलिए सबसे अनुरोध करता हूँ, प्रशांति सेवा में जरूर जाइए, और जो भी ड्यूटी वहाँ मिलता है उसको भाव से प्रेम से करिए और स्वामी का कृपा का पात्र बनिए। जय साईं राम।